गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ भरवा करेले बनाने की रेसिपी। इसको बनाने के लिए आपको एक रात पहले करेलों को छील के, बीच में से काट के, उसके बीजे निकाल के, उसको नमक डाल के रख देना है। मॉर्निंग में उठ के उन्हीं करेलों को आपको कम से कम 3 से 4 बार पानी में धो लेना है, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया है, ताकि उसका सारा कड़वापन और नमक निकल जाए। उसके बाद आपको उसको कुकर में डाल के बॉईल कर लेना है, सो दैट ये सॉफ्ट हो जाए। और उसके साथ ही कैरी वाली अमियों को भी 3-4 बॉईल कर लेना है। मसाला बनाने के लिए आप एक कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल और प्याज, आप उनकी वो आपकी मर्जी है, डालना चाहें तो आप डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। आपने जो अमियां बॉईल करके रखी थी उसकी गुठली निकाल के उसका पल्प अलग कर लेंगे, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया है। मसालों के लिए आप लेंगे धनिया, सौंफ का पाउडर, लाल मिर्ची एंड वाइट नमक, इन सब, और थोड़ी हल्दी भी लेंगे। और इन सब मसालों को आप जो अमिया का पल्प था उसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। फिर आप अपने जो करेले आपने बॉईल करके रखे थे उसके अंदर ये सारा मसाला डाल देंगे, और उसको सिक्योर करने के लिए आप एक थ्रेड के साथ उसको होल्ड करके उस मसाले वाली कढ़ाई में डाल देंगे। और इसको अलट पलट के आपको भून लेना है जब तक कि ये आपको जो ऐसे वीडियो के जैसे क्रिस्पी करारे ना दिखें। और बस इंजॉय कीजिए आप इसको रोटी के साथ, दाल के साथ, चावल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।